नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र की कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाया। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार सौंपा। कर्नाटक सरकार ने ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य की। देश में 88 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.37% हुई। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज शाम तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की नींव रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मनाली के रामनाथपुरम थुटुकोड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और गैसोलीन डीसल्फराइजेशन इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नागपट्टिनम में कावेरी बेसिन तेल शोधक केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य को सामाजिक और आर्थिक लाभ होंगे। इसके अलावा देश ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। रामनाथपुरम थुटुकोड़ी खंड 143 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें नोर, तिरुवल्लूर, बेंगलुरु, पुदुचेरी, नागपट्टिनम, मदुरई, तुतिकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पर करीब 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेस्कॉम प्रौद्योगिकी और लीडरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। फोरम के 29वें संस्करण का आयोजन 19 फरवरी तक जारी रहेगा। ये राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी संगठन यानी नेस्कॉम का प्रमुख कार्यालय है। इस साल के आयोजन का विषय है बेहतर सामान्यीकरण की ओर भविष्य निर्माण। इस आयोजन में 30 से ज्यादा देशों के 1600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिन के विचार विमर्श के दौरान 30 से अधिक उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 6 वर्षों में लोक कल्याण के दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम हाथ में लिए हैं और ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे गरीब लोग भी सम्मान की जिंदगी जी सकें। श्री रामचंद्र मिशन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर अमल कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के अनेक देशों में टीकाकरण में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया को कोविड-19 के टीकों की बहुत आवश्यकता है और भारत को इस बात का गर्व है कि उसने कई देशों को ये टीके उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने भारत को आध्यात्मिक और आरोग्य पर्यटन का केंद्र बनाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग और आयुर्वेद विश्व को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज विश्व भागम भाग वाली जीवन शैली से उपजी अनेक बीमारियों से लेकर महामारी और अवसाद से लेकर आतंकवाद तक की परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में सहज मार्ग, हार्टफुलनेस, ये कार्यक्रम और योग विश्व के लिए आशा की किरण की तरह हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग का शुभारंभ करेंगे। वे धुबरी फूलबाड़ी पुल का शिलान्यास करेंगे और कल दोपहर माजुली पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग की शुरुआत से निमाती माजुली द्वीप उत्तरी गुवाहाटी दक्षिण गुवाहाटी और ढुबड़ी हाट सिंगेमारी के बीच रोपैक्स पोत का संचालन होगा। जोगीघोपा पर अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल का शिलान्यास किया जाएगा। निमाती और माजुली के बीच रोपैक्स पोत सेवा के आरंभ से 420 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इस समय इस क्षेत्र के केवल 12 किलोमीटर हिस्से में ही वाहनों का आवागमन होता है। प्रधानमंत्री ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए दो ई पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। पानी पोर्टल के जरिए नौ संचालन और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी मिलेगी। श्री मोदी उत्तरी तट पर ढुबरी और दक्षिण तट पर फुलबाड़ी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर चार लेन के पुल का शिलान्यास करेंगे। पुल की अनुमानित लागत लगभग 4,997 करोड़ रुपए है। समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासोटिया। तेलंगाना की राज्यपाल डॉ तमिलसाई सौंदरराजन को केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में राष्ट्रपति ने डॉ किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल का पद छोड़ने का निर्देश दिया है। नियमित व्यवस्था होने तक तेलंगाना की राज्यपाल डॉ तमिलसाई सौंदरराजन को पुदुचेरी के उपराज्यपाल का प्रभार संभालने के लिए कहा गया है। इस बीच पुदुचेरी में कांग्रेस के चार सदस्यों के इस्तीफे और एक सदस्य को अयोग्य करार दिए जाने के बाद वी नारायण स्वामी की सरकार अल्पमत में आ गई है। सरकार का कार्यकाल 8 जून को समाप्त हो रहा है। राज्य में अचानक बदले घटनाक्रम के बाद विपक्ष ने कहा है कि सरकार बहुमत खो चुकी है और मुख्यमंत्री पद से वी नारायण स्वामी के इस्तीफे की मांग की है। 33 सदस्यों वाली पुदुचेरी विधानसभा में विपक्ष के 14 सदस्य हैं। हालांकि श्री नारायण स्वामी ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए दावा किया है कि उनकी सरकार को अभी भी बहुमत प्राप्त है। गुजरात में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि उसने नगर निगमों तालुका और जिला पंचायतों में चुनाव से पहले निर्विरोध 219 सीटें जीत ली हैं। पार्टी ने यह घोषणा कल प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पार्टी ने दावा किया है कि 24 जिला पंचायत सदस्य 110 तालुका पंचायत सदस्य और 85 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। इस महीने की 28 तारीख को नगर निगम जिला और तालुका पंचायत के चुनाव होने हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस सूचना को गलत बताया है जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। देश में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाने का काम लगातार जारी है। अब तक 88 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.37% हो गई है। कोविड 19 संक्रमण की पुष्टि की दर 5.27% है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में महामारी के मामले 1,40,000 से कम रह गए हैं। देश में पिछले 7 दिनों में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 56 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि लद्दाख, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और गोवा में पात्र स्वास्थ्य कर्मियों में से 60% से अधिक को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो गोवा का है। पहले 3 दिनों में जितने लोगों को सेकेंड डोज दी जानी चाहिए थी, गोवा ने 100% लोगों को सेकेंड डोज दी है। गुजरात हैज गिवन 86%, त्रिपुरा 85%, तेलंगाना 81%, उत्तर प्रदेश 81%, आसाम 69%, झारखंड 68%, लद्दाख 64%। सो दिस इज नाउ ग्रेजुअली पिकिंग अप अक्रॉस अदर स्टेट्स, बट दीज आर स्टेट्स हु हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन एडमिनिस्ट्रिंग सेकेंड डोजेज इन द फर्स्ट 3 डेज ऑफ द सेकेंड डोज एडमिनिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि सरकार ने ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है।
दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आने वाले विमान यात्रियों के मामले में भी इसी तरह की नीति अपनाई जा सकती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने बताया कि वैज्ञानिक कोविड 19 के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन को अलग कर उसका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोगों में कोविड 19 के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन का पता चला है। इन सभी को उनके संपर्क में आए लोगों सहित क्वारंटीन कर दिया गया है। डॉ भार्गव ने कहा कि आज भारत में कोविड महामारी के ब्रिटेन से आने वाले स्ट्रेन के 187 मामले हैं और क्वारंटीन में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। उनके संपर्क में आए लोगों का भी परीक्षण किया जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा है कि भारत ने अब तक 24 देशों को कोविड 19 के टीके उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने पहला टीका नहीं लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से टीका जल्द लगवाने की अपील की। जिन हेल्थ केयर वर्कर्स ने अभी तक अपनी पहली डोज भी नहीं ली है और वो चिन्हित हुए हैं, उनको हम एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज अपनी वैक्सीनेशन की डोज जो है उसको लीजिए, पहली को लीजिए, फिर दूसरी डोज को लीजिए। जैसे कि आपको पिछली बार सूचित किया गया था कि आप कहा गया है कि बाई दिस डेट आपको बताया जाएगा, आप आ जाइए और फिर जो आ जाएंगे उनको मॉप अप राउंड 24 तारीख 25 तारीख तक कर दिया जाएगा। तो ये काम हमने समाप्त करना है क्योंकि बहुत बड़ा जो समूह अगला है मोर देन 50 ईयर्स वाला है, उनको हमने लेने का काम बहुत ही जल्दी उस काम पे लगना है। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण में आंशिक रूप से कमी आ रही है और नए मामले भी कम हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल राज्य के 32 जिलों में कोई भी नया मामला नहीं पाया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 105 कोविड 19 के नए मामले सामने आए, वहीं इस दौरान प्रदेश में 217 मरीज ठीक हो गए। अब तक 5,90,000 से अधिक कोरोना ग्रसित लोग ठीक हो चुके हैं और कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 98% से अधिक हो गई है। इस समय राज्य में कोरोना के 2,853 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 698 लोग होम आइसोलेशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ई संजीवनी पोर्टल काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है और अब तक इसके माध्यम से 5,18,000 से अधिक रोगियों ने चिकित्सकीय परामर्श लिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में टीकाकरण का कार्य केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार चल रहा है और बृहस्पतिवार को फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की खुराक दी जाएगी। 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। एमएस यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कल 13,497 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का दूसरा टीका लगाया गया। राज्य में 5,10,664 कर्मियों को पहला टीका लगाया जा चुका है। इस बीच राज्य में 2,59,748 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 99.20% हो गई है। राज्य में सक्रिय मामलों में निरंतर गिरावट हो रही है। 20 जिलों से कोविड मामलों की पुष्टि नहीं हुई है। गुजरात में 8 लाख से अधिक लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया है। कल लगभग 5,200 लोगों को 355 केंद्रों पर कोविड का दूसरा टीका दिया गया। इस बीच राज्य में कल कोविड के 263 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में स्वस्थ होने की दर 97.7% तक पहुंच गई है। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोगों को चेतावनी दी है कि शहर में कोविड के अचानक बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दूसरा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उन्होंने लोगों के लापरवाहीपूर्ण रवैये पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वे कोविड के दिशा निर्देशों का, विशेषकर रेल यात्रा करते समय, पालन नहीं कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी कोविड के दिशा निर्देशों के पालन पर जोर दिया और कहा कि राज्य में कोविड के अचानक बढ़ते हुए मामलों के कारण सख्त फैसला लेना पड़ सकता है। जनवरी 2021 के आखिर तक मुंबई तथा राज्य में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हो रहे थे और ये महामारी काबू में आने के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन मुंबई में सभी के लिए रेल यातायात सशर्त शुरू होने के बाद मुंबई तथा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। दूसरी ओर मुंबई के वासियों में ये गलतफहमी उत्पन्न हो गई है कि इस वायरस का अंत हो गया है और अब मास्क लगाने की या सुरक्षित दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मुंबई में मास्क न लगाने वालों के खिलाफ बीएमसी की कड़ी मुहिम जारी है। मुंबई के महापौर किशोरी पेडणेकर ने लोगों के इसी रवैये के बारे में चिंता जताई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी महाराष्ट्र में फिर से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नागरिकों से कहा था कि अगर वे कोविड 19 प्रतिबंधक नियमों का पालन नहीं
नहीं करेंगे तो भविष्य में उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक सरकार ने ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले लोगों के लिए नए नियम जारी किए हैं। ये कदम दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 और ब्राजील से लौटे 1 व्यक्ति में पाए गए संक्रमण को देखते हुए उठाया गया है। केरल से कर्नाटक में आए 40 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि के बाद केरल से आने वाले नागरिकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने नया नियम बनाया है कि यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीका से आए यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लाना और 14 दिन का होम क्वारंटाइन में रहना कंपलसरी है। 7वें दिन उनको फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट लेना होगा। अगर उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो उन्हें अस्पताल में भर्ती होना होगा। उसी तरह केरला से आए यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लाना आवश्यक होगा। पिछले 2 सप्ताह में केरला से राज्य को आए व्यक्तियों का कोविड टेस्ट करवाया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। नागालैंड में कल 1075 अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों और 521 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। राज्य की टीकाकरण अधिकारी डॉ रितु थुर ने कहा कि कल 868 स्वास्थ्य कर्मियों को भी टीका लगाया गया है। डॉ थुर ने कहा कि इस टीके के किसी दुष्प्रभाव की पुष्टि नहीं हुई है। सभी सत्रों में अब तक 16,189 टीके लगाए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र की कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। किरण बेदी को पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाया। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार सौंपा। कर्नाटक सरकार ने ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य की। देश में 88 लाख से अधिक लोगों को कोविड 19 का टीका लगाया गया। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.37% हुई। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट के पीछे सोच और सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। बातचीत के दौरान बोर्ड के सदस्यों ने सरकार के विचार के लिए कई सुझाव रखे। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड की ये 587वीं बैठक थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में बोर्ड ने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक तथा घरेलू चुनौतियों और बैंकों में शिकायतों के समाधान की प्रणाली को सुदृढ़ करने सहित रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र में आने वाले अनेक विषयों की समीक्षा की। केंद्रीय बजट 2021-22 पर विशेष श्रृंखला में आज हम आपको अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए की गई प्रमुख घोषणाओं के बारे में जानकारी देंगे। 2021-22 के बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए 7,524 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग का वार्षिक व्यय पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 28% बढ़ाया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे प्रत्येक विद्यालय के लिए लागत 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे जनजातीय छात्रों के लिए मजबूत बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में मदद मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए धनराशि के कुल आवंटन में भी इस वर्ष काफी बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय बजट 2021-22 में 41 मंत्रालयों या विभागों के अनुसूचित जनजाति घटक एसटीसी फंड के रूप में 78,256 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के एसटीसी बजट में 50% से अधिक की वृद्धि है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए इस बार के आम बजट में 10,517 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किया गया है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सभी मंत्रालयों के बजटीय आवंटन को 51.65% बढ़ाकर 1,26,259 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में यूरोप और अफ्रीका के 20 विदेशी राजनयिकों का एक दल आज से दो दिन के दौरे पर है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि विदेशी मिशन के राजनयिक आज कश्मीर और 18 फरवरी को जम्मू का दौरा करेंगे। कोविड महामारी के बाद जम्मू और कश्मीर में विदेशी राजनयिकों की ये पहली और अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद तीसरी यात्रा है। राजनयिकों का दल हजरत बल दरगाह, डल झील और बड़गांव के एक कॉलेज भी जाएगा। दल के सदस्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के पश्चात विकास गतिविधियों और हाल में हुए जिला विकास परिषद चुनाव के बाद लोकतंत्र की बहाली की स्थिति का जायजा भी लेंगे। मेघालय सरकार ने पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम घटाने का फैसला किया है। इन ईंधनों पर वैट 5 रूपये घटाए जाने के कारण इनके मूल्य घटे हैं। मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने कहा कि पेट्रोल की नई कीमतें मौजूदा मूल्य 91.26 रूपये से घटकर 85.86 रूपये हो जाएंगी, जबकि डीजल की कीमत 86.23 रूपये की मौजूदा दर से घटकर 79.13 रूपये होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोल और डीजल पर 2 रूपये की छूट की घोषणा की थी। इसके बाद पेट्रोल और डीजल पर कुल 7.01 रूपये की कटौती होगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला रूस के दो दिन के सरकारी दौरे पर मॉस्को पहुंचे। रूस के विदेश मामलों के उपमंत्री इगोर मर्गुलोव के साथ वे भारत रूस विदेश कार्यालय परामर्श बैठक के दूसरे दौर की बातचीत करेंगे। बैठक में दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही आगामी समय में होने वाले अन्य उच्च स्तरीय आदान प्रदान के सिलसिले में विचार विमर्श भी करेंगे। बांग्लादेश में ढाका में एक विशेष न्यायालय ने जाने माने विज्ञान लेखक अभिजीत रॉय की वर्ष 2015 में हुई हत्या मामले में प्रतिबंधित अंसार उल इस्लाम गुट के 5 लोगों को मृत्युदंड और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते समय न्यायाधीश ने कहा कि अभिजीत रॉय की हत्या बोलने की आजादी को लेकर हुई और इसका उद्देश्य बोलने की आजादी का गला घोंटना और भय का वातावरण उत्पन्न करना ताकि कोई स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त न कर सके। विशेष न्यायालय द्वारा ये दूसरा फैसला है। इससे पहले इस सप्ताह दीपेन के हत्यारे को भी फांसी की सजा दी थी जिन्होंने अभिजीत रॉय की पुस्तक प्रकाशित की थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की, जबकि रूस के असलान क्रात्सेव ने चोटिल ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर अपनी विजय यात्रा जारी रखी। उधर महिलाओं के सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स की भिड़ंत नाओमी ओसाका से होगी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 20 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। यहां तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। तापमान 8 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब रवि बताएंगे आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी धन्यवाद चंद्रिका। प्रधानमंत्री के इस बयान को आज के अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। छोटे और सीमांत किसानों को कृषि सुधारों का सबसे ज्यादा लाभ होगा, जबकि विदेशियों के हिमायती देसी कंपनियों को डरा रहे हैं। कहा, फैलाया जा रहा है दुष्प्रचार। भारतीय क्रिकेट टीम की इंग्लैंड पर जीत को हिन्दुस्तान ने ऐतिहासिक शीर्षक से मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर दिया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, भारत की बड़ी जीत चेन्नई में बदला, सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। अमर उजाला ने इसे विराट विजय शीर्षक दिया है। जनसत्ता ने उत्तरी कमान द्वारा जारी वीडियो और तस्वीरों के हवाले से शीर्षक दिया है, पेंगोंग से तोड़े जाने लगे चीनी बंकर और चौकियां। अखबार ने समझौते के मुख्य बिंदुओं को देते हुए इस पर विवेचना के साथ लिखा है, पूर्वी लद्दाख भारत चीन समझौते पर अमल शुरू।
प्रवर्तन निदेशालय के धनशोधन मामले में कार्रवाई करते हुए एमनेस्टी इंडिया की 17 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की खबर भी अखबारों ने दी है। न्याय शीर्षक से जनसत्ता ने पहले पन्ने पर खबर दी है, पटना में एक अदालत में निजी स्कूल के मालिक को दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा सुनाई। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस को आईएसआई लिंक का शक होने को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूम और गूगल से बैठक की जानकारी मांगी। अमर उजाला ने लिखा है, जूम बैठक में रची गई थी साजिश। अखबार लिखते हैं, उत्तराखंड सरकार ने तय किया कुंभ मेले की अवधि इस बार एक महीने की होगी। दैनिक भास्कर ने विशेष शीर्षक से बसंत पंचमी के बाद ब्रज क्षेत्र में 40 दिन के होली उत्सव की रंगारंग शुरुआत का समाचार चित्र सहित दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र की कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाया। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार सौंपा। कर्नाटक सरकार ने ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य की। देश में 88 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.37% हुई। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।